विजयलक्ष्मी मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स बेला, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ऑल वेटनरी ऑल जनरल स्टोर्स, सामग्री औषधि दुकान विजयलक्ष्मी मेडिकल, भरोसे की एक उम्मीद। हमारे मेडिकल शॉप स्थानांतर हो चुका है। अब हमारा पता है शिवाजी चौक गुन्नू होटल के बाजू में, मेन रोड बेला। डॉक्टर की सलाह के अनुसार एक बार हमारे पास जरूर पधारे, वाजबी दाम आपको आपके सेहत के अनुसार दवाइयां उपलब्ध मिलेंगी। धन्यवाद। नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। कल रात की बारिश ने मंडल वासियों को फिर से दहशत में और नुकसान में डाल दिया। बेला मंडल के काश्तकार ऐसे तैसे अच्छी फसल को देखते उनके चेहरे पर खुशी आ गई थी, लेकिन रात में बिजली की गड़गड़ाहट, बादलों की टकराव, तेज हवा और मूसलाधार बारिश ने खड़ी फसल को सुला दिया। कपास की फसल की घाटी से फल निकलने को तैयार, सोयाबीन की कटाई भी तैयार और बढ़ती तुवर की फसल पर तेज हवा और पानी और अरमानों पर पानी फेर दिया। 15 दिन पहले इसी तरह से पैनगंगा का बैक वाटर आया और उस समय अपने लपेटे में फसलों को ले लिया। अब आसमानी बारिश ने फसलों को सुला दिया। किसान का दारोमदार इन फसलों पर होता है और ये भी हाथ से निकलती जा रही है। सरकार इस पर ध्यान केंद्रित क्यों नहीं करती? अन्नदाता जमीन पर आस रखने वाले बेहाल है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर विचार करना चाहिए, ऐसा किसानों का कहना है। అకాల వర్షం టైప్ మా మండల బేల మండలానికి వచ్చి, అంటే ఎప్పుడు చూడలేని స్థితిలో గాలి వచ్చి పంట మొత్తం భూమికి అనుకొని ఇదైంది. అంటే ఎవరు ఊహించలే, ఏదో ఇంతకుముందు పెనగంగతోని వచ్చినటువంటి బ్యాక్ వాటర్లో చాలామంది, దాదాపు ఒక 2-3 వేల ఎకరాల మా మండలానికి నష్టం జరిగింది. అయినా ఉన్న దాంట్లో మాత్రం ఈ సంవత్సరం పత్తి బాగా పండుతుందన్న ఆశలు బాగా మంది ఉంటే, కానీ ఈ వాతావరణం అనుకూలంగా లేక ఒకేసారి ఇంత పెద్ద మొత్తంలో గాలి ఎప్పుడు రాలేదు మాకు. వచ్చి చేతుకొచ్చిన పంట, ఇప్పుడు దసరాకు వచ్చే ఈ పంట వెళ్తుండే, కానీ ఇప్పుడు చూస్తే ఈ చేనులకు పోతే ఎడుపు తప్ప వేరేది ఏం లేదు. ఇలాంటప్పుడు చాలా కష్టంలో ఇప్పుడు రైతులు ఉన్నారు. ఎందుకంటే ముందే రైతుకు రైతు బంధు కానీ రైతు పెట్టుబడి కానీ ఇలాంటిది అయితే ఏం లేకుండా అయిపోయింది. దాంట్లో ఇప్పుడు ఏదో ఆయన స్వయంగా వడ్డీ బాకీల కింద తీసుకొచ్చి పంట చేస్తే ఇప్పుడు ఇంకా రైతు మాత్రం బాధలు, చాలా బాధలు ఉంటాడు. అంటే ఆయన తీసుకొచ్చిన బాకీ కూడా తీరుతుందో లేదో అన్న దాంట్లో ఇప్పుడు రైతు ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఈ రైతులపైన కొద్దిగా శ్రద్ధ వహించి వీళ్లకు నష్టపరిహారం వచ్చేటట్టు చూడాలని నేను మా రైతుల తరఫున కోరుతున్నాను. మీ అనుపమ్ ఠాకరే మణ్యార్పూర్ మందుం బోల్తా. काही गेल्या त्या दिवसापासून नाही का पाणी, आता जे पैनगंगाचं पाणी नदीचं येऊन नाही का आमच्याकडे लई नुकसान केलं का, 300-400 एकर बुडलं का. आमचे काही बुडाचे राहिले ते काही जणाचे बुडले, काही जणाचे नाही बुडले. नाही बुडले त्यांनी थोडं आता आशेत होते, एवढं कवाच नाही झालं पीक पाणी नाही का, एवढं चांगल्या घाट्या काही कवाच दिसल्या नव्हत्या. आमदा काही होते म्हणून शेतकऱ्याला आशा होती ह्या डावले, पण ह्या हवा पाणी पुरं नुकसान करून टाकतं. एक मांगं एक वेळा आलं, एक वेळा गणल्या पराठ्या पुऱ्या ह्या उभ्या केल्या, पुन्हा अजून ह्या डावल्या आल्या पुऱ्या गणवून टाकल्या. घाट्या मस्त होत्या, पुऱ्या घाट्या झाल्या होत्या पराठीले का 4 दिवसात नाही का घाट्या चालू होत होत्या, आता कापूस फुटत होते. तर असं नुकसान झालं, पुरं जमिनीला टेकून गेल्या घाट्या. आता काही कामी येऊ शकते नाही येऊ शकत, पराठी उभी होऊ शकत नाही अशी परिस्थिती आहे आता.
पुऱ्या काही कामी आजच्या आता पुरं शेतकऱ्याचं नुकसान होत आहे हे पुरं अशी आशा होती का आम्ही कवाय शेतकरी कर्जबाजारी बाबा आम्हाला सांगत होता का बाबा शेतीमध्ये काहीच नाही पडलं शेती कवाय नुकसानच करते असं वाटलं होतं आमदा शेतीत जुडलो होतो का चांगला फायदा होईल का नाही मेहनत केली आता घाट्या हे ते चांगल्या झाल्या बाबा म्हणलं ह्या वर्षी कर्ज आहे ते खंडून जाईल कर्ज म्हणलं पण हे पाण्या पावसानं असं धिंगाणा केला हव्यानं पुरं धिंगाणा होऊन गेला शेतकरी असं वाटलं का आमदा होईल बा कर्ज आमदा नील होऊन जाईल कर्ज पुढच्या वर्षी सुखानं शेती करू असं वाटलं होतं पण शेतकऱ्याची गती हेच आता कसं कर्जबाजारी आता हे फायदा होईल म्हणलं तर पुन्हा तीच गती आली नुकसानच झाला पुन्हा कर्ज जशान तसं राहूनच जाते शेतकऱ्याची दशा हेच आहे आता सध्या गाडी पाहिजे.